छोटे पाते नहीं देखने पड़ेंगे वहां के नाम देखो लगी है देखो से इधर से देखता नहीं कुछ जो भी तो नहीं शंभू महाराज की आज बहुत शुभ घड़ी है। आज सोमवार सावन का पहला सोमवार आज आया और बहुत सालों के बाद आज 8 सोमवार आए हैं और हम भी बाबा आप शंभू के जो साक्षात परमात्मा शिव की पिंडी स्वरूप जहाँ पे विराजमान है आप पूरे परिवार के साथ दर्शन करने आए हैं, उनकी आशीर्वाद प्राप्त करने आए हैं और सभी जम्मू वासियों का देशवासियों का खुशहाली से जीवन व्यतीत करें उसकी प्रार्थना करने आए हैं। सबसे पहले तो मैं सभी भक्तों को मुबारकबाद दूंगा। आज सावन महीने का पहला सोमवार है और जैसे कि आप जानते हैं कश्मीर में भी जो बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा शुरू हो चुकी है, जैसे कि मैं पूंछ से हूँ, पूंछ में भी बूढ़ा अमरनाथ महादेव का मंदिर है, वहाँ भी भक्तों का तांता लगा हुआ है और आज के दिन हम खास तौर पे भगवान शंकर से माता पार्वती से ये प्रार्थना करते हैं कि सभी भक्तों के मनोकामना पूर्ण करें और जो हमारा विश्व कोरोना काल की महामारी से जूझ रहा था उसे निजात दिलाएं और भोलेनाथ एक ऐसे देव हैं जो सब ही शीघ्र ही सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और आपको मैं मुबारकबाद दूंगा आपकी मीडिया पर्सनैलिटी को कि ये अभी मास का महीना भी है, इसको जिसे हम मल मास कहते हैं और पहली बार ये हुआ है 2023 के इस साल में कि 8 सोमवार आएंगे और भक्तों की मनोकामना बहुत शीघ्र पूरी होगी। और मैं सभी से अनुरोध करता हूँ सभी भोलेनाथ के यहाँ मंदिर में आए और ये शिवलिंग एक ऐसा है जो खुद भोलेनाथ ने खुद यहाँ आप समूह है ये यहाँ किसी ने स्थापित नहीं किया, ये खुद ही निकला हुआ है। बड़ा प्राचीन काल का ये मंदिर है और सब पे भोलेनाथ कृपा करें और खास करके विशेष करके जो यहाँ पे लोग पूजा कर रहे हैं उस पूजा का ये कलयुग है, थोड़ी सी पूजा करेंगे तो बहुत बड़ा इसका फल मिलेगा। तो ज़्यादा ना मैं कहते हुए सभी भक्तों को यही कहूँगा कि यहाँ इस मंदिर में आएँ और भोलेनाथ की यहाँ पे पूजा करें और मन वाचित फल यहाँ से पाएं। जय शिव शंकर महाराज की।